दोस्तों, अगर आपका औजार लुली के जैसा पतला और छोटा है और वह मुर्दे की तरह है, बेजान और ढीला रहता है, यहाँ तक कि जब आप उसे औरत के अंदर डालना चाहते हैं तो वह बड़ी मुश्किल से अंदर जा पाता है। तो दोस्तों, अगर आपका औजार भी ऐसा ही है और आप इस वजह से बड़े परेशान रहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि अगले 3 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, साथ में घंटे का बटन भी दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको लिंग पर लगाने वाला एक लेप बताने जा रही हूँ। ये लेप कैसे बनाते हैं और कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, इस लेप को बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको 200 ग्राम सुहागा लेना है। दोस्तों, सुहागा फिटकरी की तरह दिखने वाला एक पदार्थ होता है। ये आपको किसी भी किराना की शॉप से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब आपको ये सुहागा तवे पर गर्म करना है। गर्म करने पर यह पानी की तरह तरल पदार्थ में बदल जाएगा और कुछ देर बाद यह पॉपकॉर्न की तरह डलियों में बदल जाएगा। अब इसको ठंडा करके बारीक पीस लें। दूसरी चीज आपको डालडा यानी वनस्पति घी लेना है और इसको हल्का गर्म कर लेना है जिससे ये पिघल जाए। अब आपको 2 चम्मच सुहागा पाउडर और 2 चम्मच पिघला हुआ घी लेकर इसको आपस में मिक्स कर लेना है। अब ये लेप रेडी हो गया है। अब आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है ये भी जान लीजिए। आपको एक पट्टी लेनी है जो लगभग 1 फीट लंबी और 2 से 3 इंच चौड़ी हो। अब इस पट्टी पर बीच के 6 इंच हिस्से पर ये लेप लगाकर इसे रात में सोने से पहले अपने लिंग पर लपेट लेना है और सो जाना है। सुबह उठकर इसे खोलकर अपने औजार को हल्के गर्म पानी से धो लेना है। आपको ये लेप लगातार 1 महीने तक करना है। अगर आप ये लेप सही तरीके से 1 महीने तक कर लेते हैं तो आपका औजार बेहद टाइट और लंबा मोटा हो जाएगा और एक ही झटके में अंदर चला जाएगा। तो दोस्तों, इस उपाय को जरूर आजमाएं और इसका फायदा उठाएं। अगर आपके कुछ सवाल हो तो हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।